हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग। और आज के लेक्चर में हम डिजिटाइजेशन से रिलेटेड जो QGIS में कुछ इम्पोर्टेंट प्लगइन्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो QGIS में डिजिटाइजेशन के लिए जो सबसे यूजफुल प्लगइन्स हैं, कुछ उनमें से जो सबसे पहला प्लगइन है, सबसे पहले तो QGIS में जो प्लगइन्स को इंस्टॉल करने का तरीका है, ऊपर में ये टूल बार वाले सेक्शन में प्लगइन वाला जो टूल है, यहाँ पे मैनेज एंड इंस्टॉल प्लगइन में जाएंगे, ऑल प्लगइन्स में जाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट प्लगइन है वो है HCMGIS। ये HCMGIS का प्लगइन है, इसको मैं इंस्टॉल कर लेती हूँ। इसके क्या यूज़ है इसके इंस्टॉल होने के बाद बताते हैं। इसको इंस्टॉल करते ही यहाँ पे ये टिक मार्क एक्टिव हो जाएगा और ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद ऊपर के जो टूल बार है, यहाँ पे HCMGIS नाम का एक टूल ऐड हो जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें जितने भी टाइप ऑफ बेस मैप्स होते हैं, ये सारे आपको एक जगह पे एक प्लगइन में ये सारे अवेलेबल मिल जाएंगे। जैसे गूगल सैटेलाइट को खोलते हैं, यहाँ पे गूगल इमेजरी हमारे पास आ गई एक बार में। और भी बहुत सारी लेयर्स जो हैं इसमें, इसरी की बहुत सारी लेयर्स हैं, ओपन डेटा अवेलेबल है यहाँ पे, बैच कन्वर्टर है, वेक्टर फॉर्मेट, CSV टू पॉइंट, कैलकुलेट फील्ड, वेक्टर डेटा रिलेटेड कुछ टूल्स भी इसमें अवेलेबल हैं। तो पहला तो ज़रूरी टूल बार ये हो गया। अब दूसरे प्लगइन की बात करते हैं। तो जो दूसरा प्लगइन है वो है, ऑल में जाते हैं, दूसरा प्लगइन है स्ट्रीट व्यू। स्ट्रीट व्यू को इंस्टॉल कर लेते हैं और इसके क्या यूज़ हैं इस पर बात करते हैं। तो ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे ये आ गया है स्ट्रीट व्यू, ये आदमी सबन क्या है। स्ट्रीट व्यू टूल का ये यूज़ है कि अगर आपको, जैसे ये सैटेलाइट इमेज है, इसमें आपको किसी लोकेशन की स्ट्रीट व्यू पे जाना है, जैसे कि एक सिटी है, इसके स्ट्रीट व्यू पे डायरेक्टली जाना है गूगल में, बिना इसके लैट लॉन्ग पेस्ट किए और बिना कुछ किए, तो बस इस जो आइकन है इसको ड्रैग करके क्लिक करेंगे और जहाँ के स्ट्रीट व्यू पे जाना है वहाँ क्लिक करेंगे। और इंटरनेट से कनेक्टेड रहना है और ये आपको एग्जैक्टली वहाँ के स्ट्रीट व्यू में पहुंचा देगा। तो ये हम उस लोकेशन के स्ट्रीट व्यू पे आ गए हैं। तो ये तो दूसरा यूजफुल टूल बार था। उसके बाद जो तीसरा प्लगइन है वो है लैट लॉन्ग टूल्स। लैट लॉन्ग टूल्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद ये एक ऐसा टूल बन के आ जाता है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, पहला तो अगर आपको किसी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, जैसे कि इस लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ये वाला जो टूल है कॉपी डिस्प्ले कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ से आप किसी भी लोकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ के लैट लॉन्ग्स डिस्प्ले हो जाएंगे और कॉपी हो जाएंगे क्लिपबोर्ड पे। अब इस लैट लॉन्ग को आप कहीं पे भी अगर चाहें तो पेस्ट कर सकते हैं एज इट इज़। लैट लॉन्ग को पेस्ट कर दिया, इसके बारे में डिटेल्स चाहिए, इस लैट लॉन्ग के लोकेशन के बारे में डिटेल्स भी आपको गूगल पे मिल जाएगी। और भी इसमें है तरीके, पुश पिन आप लगा सकते हैं, किसी लैट लॉन्ग को अगर सर्च करना है जूम टू कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे ये जूम टू कोऑर्डिनेट को क्लिक करते ये टूल बार एक्टिव हो जाएगा। इसमें लैट लॉन्ग पेस्ट करेंगे अगर कि कहीं की किसी लोकेशन, जैसे कॉपी किया था हमने, इसको पेस्ट करके अगर जूम करें तो ये इस लोकेशन पे जो है हाईलाइट हो जाएगा। तो ये तीसरा एक इम्पॉर्टेंट प्लगइन है QGIS का। और जो चौथा प्लगइन है वो है ऑटो सेवर का प्लगइन। तो ऑटो सेवर का प्लगइन किस लिए होता है, इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं। पहले इंस्टॉल हो चुका है प्लगइन्स वाले सेक्शन में, यहाँ पे ऑटो सेवर आ गया है। ऑटो सेव करंट प्रोजेक्ट, इनेबल ऑटो सेवर को ऑन कर देंगे अगर, और यहाँ पे ऑटो सेव इन ऑल्टरनेट बैकअप फाइल, ऑटो सेव लेयर्स इन एडिट मोड, इसको भी क्लिक कर देते हैं। और कितने कितने मिनट पे ये फाइल जो है सेव होते रहे, इसको 1 मिनट पे कर देते हैं। जैसे कि अभी आप कभी भी कोई डिजिटाइजेशन कर रहे हो फाइल में, उसको डिजिटाइज करते करते आपको उसको सेव करना भूल जाते हैं बीच बीच में, QGIS में है कि बार बार फाइल को सेव करना पड़ता है। ऑटो सेवर से जब भी 1 मिनट कंप्लीट होगा तो ये फाइल आपकी ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। कभी क्रैश भी हो जाता है तो इसकी एक बैकअप फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। तो ये चौथा प्लगइन था इम्पोर्टेंट, जो कि डिजिटाइजेशन के टाइम हेल्प कर सकता है। चौथा प्लगइन जो है वो है जियोमेट्री शेप्स का। तो ये जियोमेट्री शेप्स है, इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं, तो क्लोज कर देते हैं। अब ये एक्टिव नहीं है, इसके लिए पहले कोई शेप फाइल ऐड करनी होगी। जैसे कि कोई शेप फाइल ऐड कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक शेप फाइल ऐड कर ली, इसकी एडिटिंग ऑन करें। तो अभी जो हमने टूल बार ऐड किया उसमें ये रेक्टेंगल और ओवल ज्योमेट्री के शेप्स ऐड होके आ जाते हैं। अगर कहीं पे भी आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, जैसे यहाँ पे डिजिटाइज करते टाइम कहीं रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, तो आप इस टूल से आराम से रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। कहीं पे भी जैसे आपको सर्कल ड्रॉ करना है, जैसे कोई फीचर सर्कल वाला अगर दिखे, तो खैर सर्कल फीचर नहीं दिख रहा, पर मैं इसको यूज़ करके बता देती हूँ। ओवल ज्योमेट्री में
यहाँ पे आप किसी भी रेडियस का, यहाँ रेडियस भी लिख के आ जाता है, तो आप इससे रेक्टेंगल और सर्कल वाले या ओवल वाले जो भी फीचर्स हैं आप इस टूल की हेल्प से डिजिटाइज कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स थे जो डिजिटाइजेशन में आपके डिजिटाइजेशन जो इम्प्रूव कर सकते हैं इन प्लगइन्स की हेल्प से। तो आई होप कि आप सबको इन प्लगइन्स के बारे में समझ में आ गया होगा अच्छे से, और इनके यूज़ क्या क्या है उनके बारे में पता चल गया होगा। तो आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।